नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एनआरजे फाइनेंस पर। तो दोस्तों, कल जैसा कि एक्सपायरी है, कल हमें देखना है निफ्टी किधर की तरफ जाएगा। बेसिकली जो मंडे से लेकर के आज वेडनेसडे तक मार्केट का एक मूवमेंट था, वो समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वो रेंज बाउंड थी, लेकिन आज दोस्तों कहीं ना कहीं उसने जो 11,000 के लेवल के नीचे आकर के मार्केट ने फिर, जो कि कल मैंने लेवल दिया था आपको 10,965.75 के नीचे अगर आता है तो फिर वो एक बार आकर के 10,935 तक आएगा। फिर अगर 935 भी टूटता है तो 900 का लेवल, जहां से उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला। तो मार्केट ने कुल मिलाकर के जो नीचे की तरफ का एक ब्रेकडाउन था वो ऑलमोस्ट दे दिया है। अब देखना ये है कि ये 9,000 का जो लेवल है ये निफ्टी से क्रॉस हो पाता है नीचे की तरफ की नहीं। अगर दोस्तों 9,000 का लेवल नीचे ब्रेक हो गया और 8,880 या 8,875 का लेवल जो है वो भी ब्रीच हो गया, तो डेफिनेटली आपको यहां से इजिली, मैं अब इसको जूम कर देता हूं, निफ्टी में देखिए अभी निफ्टी आपका यहां पर सस्टेन कर रहा है 10,916 पर। तो 10,916 का जो लेवल है, ये जो लाइन चली आ रही थी, यहां पर देखिए क्या हुआ, ये जो इसकी वीकली ट्रेंड लाइन चली आ रही है, अगर आप देख पा रहे हो ये ब्लू कलर में है, ये वीकली ट्रेंड लाइन को आज भी इसने क्रॉस नहीं किया। ये वाली जो लाइन है ये वीकली ट्रेंड लाइन है और इसको ये अभी भी नीचे, इसकी नीचे की तरफ नहीं गया है। तो अगर दोस्तों कल सुबह अगर निफ्टी अगर इसके नीचे आ जाता है, यानी कि जो आपका लेवल है 900 के आसपास है, 905 पे ये है, इसको ब्रेक करके ये क्या करे, अगर ये आप यहाँ पर आसपास, यानी कि आपका जो ये एक ब्रेक, ये क्या कहते हैं, ये जो हमारा लास्ट सेशन का देखिए ये एक हमारा लेवल बन रहा है, इसको मैं और जूम कर देता हूँ, जी हाँ ये वाला, तो यहां तक अगर आ गया दोस्तों तो फिर इसके नीचे फिर आप एक आराम से शॉर्ट ले लीजिएगा। आराम से यहां से आपको पॉइंट मिल जाएंगे 900 से 840, आराम से आपको 60 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर निफ्टी कल इसके ऊपर जाता है, वैसे ऑलमोस्ट जो लग रहा है मुझे कि निफ्टी कहीं ना कहीं ये वाला लेवल टच करने आएगा, यानी 10,850 तक तो आना ही आना चाहिए। तो इसके नीचे इसका एक पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा, सॉरी सपोर्ट जो रहेगा निफ्टी में, मैं आपको बता देता हूँ, इमीडिएट जो देखिए उसका सपोर्ट है वो है 10,900 को ना करके आप ऑलमोस्ट 890 पे है। इसके नीचे अगर ये आता है तो 10,008, इसके बाद लेट्स सी व्हाट इज द लेवल, ऑलमोस्ट 856। अगर ये भी ब्रेक कर लेता है तो इसका तीसरा जो सपोर्ट होगा वो होगा दोस्तों नो डाउट, एक काम करते हैं, चूंकि कल देखिए कल एक्सपायरी है तो कल मूवमेंट तेज रहेगा, तो हम लोग इस लेवल को ना लेकर के इसका, अगर जाहिर सी बात है ये वाला लेवल ब्रेक हो गया, यानी कि 10,890-898 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये एक फ्री फॉल टाइप का यहाँ पर है। आराम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो इसको देखे सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत, ये बहुत वीक सपोर्ट है क्योंकि केवल एक ही कैंडल है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमारा जो एक सपोर्ट बनता है जहां से रिवर्स लिया निफ्टी ने दो तीन बार, वो आपका लेवल बनता है 10,839 का। तो 10,839 एक मान लीजिए। अब देखिए दोस्तों अगर ये ट्रेंड लाइन भी आपकी ब्रेक हो जाती है नीचे की तरफ तो आप कहां जाएंगे, तो आराम से आप निफ्टी में ले सकते हैं, और कहां तक का ले सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ये जो लेवल्स है यानी कि 785, 10,785। अब इसके बाद देखिए अगर कल, चूंकि अभी भी आपको 916 से आपको 785 मोर देन 100 पॉइंट में ये लेवल होंगे जहां जहां इसको रेजिस्टेंस दिखेगा। अब इसके बाद भी अगर यहाँ ये 785 भी टूटता है दोस्तों तो फिर एक फ्री फॉल आप लेकर के चलिए, हो सकता है कि 660 तक का, लेकिन ये दोस्तों अभी मुझे लगता है, हालांकि ऑप्शन एक्सपायरी है, कुछ भी हो सकता है, बट निफ्टी आई थिंक इन अ सिंगल डे इट कैन नॉट मूव मोर देन 200 पॉइंट, सो बेटर वी विल बी टेकिंग अनदर लेवल। सो
दिस इज द अनदर सपोर्ट फॉर इट, सो दैट इज 753। तो अब देखिए दोस्तों, आपको ये सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट में मैंने आपको चार चार लेवल दिए, तो इनका यूज क्या है? देखिए, अगर निफ्टी फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो 890 के नीचे आ गया, 890 के नीचे आ गया, तो अब यहां से फिर एक आप पुट के लिए आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, या फिर निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। और जैसे ही आप देखोगे, देखिए जब 890 पर होगा निफ्टी, और 890 से 840 तक आएगा, तो डेफिनेटली आपको वहां से अच्छा खासा मिनिमम 15-20 पॉइंट का मूवमेंट ऑप्शंस में इजिली मिल जाएगा, वो आप वहां से बुना लीजिए। फिर यहां पर जैसे ही आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, जैसे ही निफ्टी इस लेवल पे आता है स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर यहां पे थोड़ा इसको सपोर्ट मिलता है, सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है, रिवर्स मारता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। इनकेस यहाँ थोड़ा ही रुका, आप स्टॉप लॉस रखिए 2-3 पॉइंट के डिफरेंस का, 3-4 पॉइंट का, फिर नीचे डाउन चला गया, तो दोस्तों जैसे ही वो 10,007 फिर यहां से अगर सोचिए अगर नीचे जाता है, तो आराम से आपको 785-790 तक आराम से आ सकता है। फिर वहां पे आपको इतने पॉइंट यानी कि इजिली आपको मिल जाएंगे 30-20 ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का, फिर से आपको यहां से फायदा मिलेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो आप फिर से 30 पॉइंट तक के लिए यहां तक आ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ओआई की बात करें तो डेफिनेटली यहां पर आपका अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी है 10,700 पे, तो ये कहीं ना कहीं 10,700 है ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। चलिए अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस में देखिए क्या है, इसको अभी निफ्टी आपका यहां इसके लिए जो एक मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा वो करेगा 10,961, यानी कि 11,000 में। दोस्तों ओआई डेटा का अगर आप बात करो, 11,000 पे अच्छी खासी आज कॉल राइटिंग हुई है, तो 11,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा पेन है इस लेवल पे। मुझे नहीं लगता निफ्टी मतलब इसे क्रॉस कर सकता है, क्योंकि कल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, लेकिन अच्छा खासा आप इसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये क्रॉस हो जाता है तो इसके बाद निफ्टी आपका जो एक नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 10,009, ये ऑलरेडी मैंने आपको दिया है 961 वाला, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से निकलता है तो कहीं ना कहीं इसको 10,997-999 यानी कि वही आपका 11,000 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसको फेस करना पड़ेगा। और अगर यहां से भी निफ्टी ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो इसके लिए जो अगला जो बन रहा है वो बन रहा है 11,070 के आसपास, ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ। चलिए अगर ये निफ्टी कल देखिए अभी 916 है, 916 से अगर 11,016 यानी 100 पॉइंट के बाद फिर से हम लोग पॉइंट बढ़ा करके आए, यानी कि 11,069 इसी रेंज में रहना चाहिए निफ्टी, यानी 100-150-180 पॉइंट तक। लेकिन अगर इसको भी ये क्रॉस करता है ऊपर की तरफ तो इसको फिर से एक जो मैक्स पेन मिलने वाला है वो दोस्तों 11,000 के लेवल पे इजिली इसको तीन, देखे यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है अच्छे खासे। फिर अगर इसको और आप देखो, ये इस जगह पर आकर के देखो यहां से रिवर्सल लिया है, यानी कि अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो ये इसके लिए एक मैक्स पेन बनाएगा 11,143 पे। तो दोस्तों ये इसके लिए रेजिस्टेंस के लेवल हो गए। तो देखिए ओआई डेटा की बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक में अच्छा खासा यहां पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 11,000 पे। अगर चार्ट की बात करें तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलते हैं। अच्छा एक बार हम लोग ये वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार इसे 1 आवर के चार्ट में देखिए इसका ट्रेंड कहाँ है। तो अगर आवरली चार्ट में आप देखेंगे तो ये जो वीक की लाइन है, जो वीकली ट्रेंड लाइन है वो भी क्रॉस हो चुकी है, कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्मॉल सी जो डोजी कैंडल है, लेकिन मुझे लगता है
कि कहीं ना कहीं निफ्टी ये लेवल टच करने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करता है तो आराम से आपको 841 तक आ जाएगा, ये ठीक ठाक नीचे की तरफ पॉइंट दे देगा। अभी दोस्तों अगर सिंगापुर निफ्टी की बात करोगे आप, एसजीएक्स निफ्टी की, तो वहां मुझे तो कोई जोरदार मूवमेंट ना अपसाइड ना डाउनसाइड दिख रही है, बट सिंगापुर वाला जो ऑप्शन एक्सपायरी तो होगा नहीं वहां का एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन अपने यहाँ कल एसजीएक्स एक्सपायरी है, सॉरी अपने यहाँ कल वीकली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली वहां से आपको एक ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी काफी रहेगी। चलिए अब निफ्टी से रिलेटेड अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स की बात करें, तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक्स भी निफ्टी में भी पार्ट लेते ही लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इन्फोसिस की। तो इन्फोसिस जो है वो देखिए कई बार से इसका एक इस लेवल इस रेंज में रह रहा है। अब इन्फोसिस इस समय आप देखो कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से इसमें बाइंग चल रही है अच्छी खासी। अभी क्या है, पिछली बार देखिए एक बार यहां पर आके इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है, फिर इसने यहां पे ब्रेक करने की कोशिश की। अगर आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि हर बार इसी लेवल से जो कि 795-793 का लेवल था, इससे आ करके ये नीचे लौट जाता था। अभी दोस्तों क्या है कि निफ्टी इस 95 को लेवल को क्रॉस करके कहां पर आ गया है, अब निफ्टी जो है आपका ये हाईएस्ट इसका जो देखिए अभी 799 पे इसने क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 800 पे। अब इसके पास अगर पहले से अगर आप देखो तो एक रेजिस्टेंस यहां पर और एक रेजिस्टेंस यहां पर था, यानी कि निफ्टी अगर 803 के ऊपर सस्टेन कर जाता, सॉरी इन्फोसिस अगर 803 के ऊपर सस्टेन कर जाता है ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, और मार्केट का ट्रेंड भी अप साइड में है दोस्तों, तो यहां से एक अच्छा खासा मूवमेंट इन्फोसिस आपको दे सकता है। और कितने पॉइंट का, एटलीस्ट आई थिंक 820-825 के लेवल इन्फोसिस के मिल सकते हैं। तो अगर इन्फोसिस की अगर हम बात करें इन्फी, इन्फी में अगर 803 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए, ठीक है, 803 के अबव 803, अबव 803 व्हाट इज पॉसिबल, 815, 820, 825 इज पॉसिबल इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस, कुछ दिनों में डेफिनेटली आपको ये इतने सेशन, कुछ दिनों में नहीं, 1 से 2 या 3 सेशन में ऐसा वो दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है 803 का लेवल इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। चलिए डाउन साइड में हम अगर बात करें हम लोग, तो डाउन साइड में अगर ये 794 के नीचे अगर ये सस्टेन कर जाए, तो फिर वहां से नीचे की तरफ ये मोमेंट दे सकता है फिर से, यानी कि यहाँ पे अगर देखे सस्टेन कर जाता है कई बार, तो यहां से फिर से वो नीचे की तरफ आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है, आराम से 770 तक, देखिए 770 तक आ सकता है इजिली, अगर उससे भी कम की बात करें तो 776 तक ये फिर डाउन साइड में आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी की। देखिए एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो काफी टाइम से इसने भी यहां से ब्रेक, यहां से बार बार रिवर्सल लिया इस पॉइंट से, यानी कि ऑलमोस्ट उसने आज 2070 पे जो क्लोजिंग दी है यही इसका ऑलमोस्ट रिवर्सल पॉइंट है। लेकिन अभी क्या है, अगर ये एचडीएफसी आपका 2070 2065 के लेवल के नीचे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इस लाइन पे सपोर्ट लेगा आकर के, जो कि इसके लिए फ्री फॉल है। देखिए यहां तक इसके लिए फिर कोई सपोर्ट नहीं है, यानी कि अगर कहीं ना कहीं 2060 के नीचे, 2060 के नीचे अगर आता है एचडीएफसी, एचडीएफसी एलटीडी की बात कर रहा हूं लिमिटेड की, अगर ये ब्रेक करता है, इफ इट ब्रेक्स 2060 लेवल आप मान के चलिए, तो यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली 2040 का आपको लेवल दे देगा। अदरवाइज देखिए ये ऑलमोस्ट ऐसी जगह पर है जहां से रिवर्स ले सकता है, अगर रिवर्स लिया तो आराम से फिर से ये आपको 2100 से लेकर के 2140 2150 तक जा सकता है। अब ट्रेंड में अगर हम लोग बात करें तो यहां से ये देखिए रिवर्स ले सकता है, पहले भी इसने लिया है कई बार, अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर गई, निफ्टी सस्टेन कर गया और मार्केट में अगर सेलिंग नहीं है, तो फिर से ये ऊपर की तरफ इसी लेवल से जा सकता है, या फिर मैक्सिमम अगर ये देखिए 2069 पर है, यहाँ से 2060 तक आ सकता है, 65 तक आ सकता है, फिर वहां से रिवर्स ट्रेंड में जा सकता है, और रिवर्स ट्रेंड में जाने के बाद ही आराम से आपको 2100 2120 और 2145 तक के लेवल दिखा सकता है 2-3 सेशन में। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों ये इन्फोसिस और एचडीएफसी निफ्टी के स्टॉक्स थे। अब चलिए इससे पहले